सत्ता का संघर्ष। लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण का मतदान कल है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। जिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है उसके बारे में हम आपको राज्यवार बता रहे हैं, किस राज्य में कितनी सीटों पर कल मतदान होना है और उसकी तैयारी कैसी है। बात आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जबकि महाराष्ट्र की 11 सीटों पर कल वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर कल मतदान है और इसके साथ ही बिहार की 5 संसदीय क्षेत्रों में भी कल वोटिंग होगी और झारखंड की 4 सीटों पर कल वोटिंग है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान है, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान है और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है। कुल उम्मीदवार 1717 हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। चौथे फेज में अगर हम दिग्गजों की बात करें तो कन्नौज से अखिलेश यादव और हैदराबाद से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की किस्मत कल ईवीएम में बंद होने वाली है। कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कल बंद होगी। चौथे चरण का कल मतदान है 96 सीटों पर और इन 96 सीटों पर कल कई दिग्गज भी चुनाव मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट जहां पर कल चौथे चरण में मतदान है। और कल चौथे चरण के जो दिग्गज हैं उसमें हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और उनके खिलाफ माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। करीमनगर से बंदी संजय कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव वहां से चुनाव मैदान में हैं। सुब्रत पाठक सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के उनके खिलाफ एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। बेगूसराय से इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमपी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतारा है। उजियारपुर बिहार से नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं और मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह चुनाव मैदान में हैं। कड़प्पा से वाईएस शर्मिला कांग्रेस की चुनाव मैदान में हैं। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में हैं, उनके खिलाफ कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 24 का जो संग्राम चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 543 सीटों पर चुनाव जो हो रहा है उसमें 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है तीन चरणों में। कल वोटिंग है, चौथे चरण की, और चौथे चरण की कल जो वोटिंग है वो 96 सीटों पर कल मतदान होना है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कुल उम्मीदवार 1717 हैं और इसमें महिला प्रत्याशी 170 हैं, करोड़पति उम्मीदवार 476 हैं। यह हम बता रहे हैं कल चौथे चरण की जहां पर कल वोटिंग होने वाली है 96 सीटों की, उसमें कुल 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 170 है और करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 476 है। तेलंगाना की 17 सीटों पर 525 उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 170 उम्मीदवार हैं, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 75 उम्मीदवार हैं, तो बिहार की 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार हैं। और अलग अलग सीटों की अगर हम बात करें, जो दिग्गज हैं उनकी बात करें, कन्नौज की बात करें, तो कन्नौज में 2019 में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव थी जिन्हें सुब्रत पाठक बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया था, और इस बार अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ पिछली बार के विजेता और सांसद सुब्रत पाठक एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। कन्नौज की सीट उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट मानी जा रही है और यहां पर टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है अखिलेश यादव के उतरने से। जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो उस समीकरण पर भी नजरें टिकी हुई हैं। बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा किया है,
इमरान बिन जफर को और इस मुकाबले को बीएसपी त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो चौथे पेज के ये दिग्गज चौथे फेज के कन्नौज संसदीय क्षेत्र से सिटिंग एमपी सुब्रत पाठक यहां से चुनाव मैदान में हैं और इस बार अखिलेश यादव खुद यहां से समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी ने इमरान बिन जफर को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली बार सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को यहां से हराया था। बिहार की बात करें तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र जहां पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और इस बार उनका मुकाबला कुमारी अनीता आरजेडी के उम्मीदवार से है, जिन्हें इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। तो मुंगेर से सिटिंग एमपी पिछली बार भी एनडीए के उम्मीदवार थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, चुनाव जीते थे और एक बार फिर से मुंगेर से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के समर्थन से चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने कुमारी अनीता को अपना उम्मीदवार बनाया है। चौथे चरण की अगर हम कृष्णानगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो महुआ मोइत्रा टीएमसी की यहां से उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय बीजेपी की उम्मीदवार हैं और चुनाव मैदान में उतरी हैं। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के ये सीट। और अब बिहार के समस्तीपुर की बात करते हैं। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में बिहार सरकार में दो मंत्री हैं और उन दोनों के एक के बेटा और एक की बेटी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सनी हजारी जो कि बिहार सरकार में महेश्वर हजारी मंत्री हैं उनके बेटे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी यानी कि एनडीए की तरफ से शांभवी चुनाव मैदान में हैं और शांभवी अशोक चौधरी सरकार में मंत्री हैं उनकी बेटी हैं और यहां से चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि जेडीयू के दो नेता जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनके बेटा और बेटी इंडिया गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार हैं जिनका एक दूसरे से मुकाबला है समस्तीपुर में। और गिरिराज सिंह बेगूसराय से हैं एक बार फिर से चुनाव मैदान में। सीपीआई के अवधेश राय उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और मुकाबला यहां पर सीधा है दोनों लोगों के बीच में। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है चौथे चरण की चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आंचल तिवारी हमारी संवाददाता मुंबई से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, आशुतोष कुमार पटना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और जय व्यास हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं। आंचल पहले आपसे, महाराष्ट्र के इस दौर में 11 सीटों पर चुनाव है और 298 उम्मीदवार इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, किस तरह की तैयारी और किस तरह की टक्कर अब आखिरी दिन आज और ये रात तो बहुत कयामत की रात एक तरह से कह सकते हैं 4 जून के पहले की अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल आनंद जी, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में चुनाव की तो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आज चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन था क्योंकि कल महाराष्ट्र के 11 जिलों में वोटिंग होगी, ऐसे में चुनाव प्रचार आज थम गया है। लेकिन जिस तरीके से फिर चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, सभी पार्टियों की तरफ से जो चुनाव प्रचार है वो बड़े ही जोरों शोरों से किया गया है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है वो काफ़ी कम रहा है। 3 फेज में वोटिंग तो हो चुकी है लेकिन वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट रही है वो ज़्यादा रही है कंपेयर टू 2019 की। पहले फेज में 55% वोटिंग होता है, दूसरे फेज में 53 और दूसरे फेज में जो है वोटिंग वो 53% हुआ था और तीसरे फेज में 54%। लेकिन कल जब वोटिंग होगा तो इस पर सभी की नज़रें रहेगी क्योंकि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें गिरावट रहा है। इसको लेकर जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं घबराए हुए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों वो जनता को जोड़ने के लिए और हर तरीके से, फिर चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या फिर गली मोहल्ले में जा जाकर बाकायदा जो चुनाव प्रचार है वो किया जा रहा है और जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज है क्या वो बढ़ता है या फिर जो तीन बार वोटिंग हुआ है उसके मुकाबले कम रहेगा।
बिल्कुल, अब ये एक बड़ा संकट है और चुनाव आयोग के सामने भी चुनौती है, और इसकी वजह से जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टियां हैं उन्हें भी काफ़ी टेंशन हो रहा है, कुछ आकलन नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं लौट के आपके पास, उसके पहले चलते हैं जरा आशुतोष के पास, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में कल 5 सीटें हैं और मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं, 2 केंद्रीय मंत्री तो हैं ही इस दौर में, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा एक जगह तो ऐसा है जहां पर नीतीश कुमार की सरकार के 2 मंत्री हैं और उनके बेटा और बेटी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में। बड़ा रोचक मुकाबला बिहार में देखने को मिलता है। बेशक आनंद जी, आपने सही कहा, बिहार में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। पांचों के पांचों सीट सेंसिटिव सीट है, 2 केंद्रीय मंत्री की इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो 2 बिहार सरकार के मंत्री के बेटे और बेटी आमने सामने है। आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है, चाहे वो बेगूसराय हो या फिर मुंगेर हो या समस्तीपुर, हर जगह हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर NDA भी देख रही है और इंडिया गठबंधन के नेता भी इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की चिंता है, वो इस बात पे केंद्रित है कि शनिवार से छुट्टी के मूड में आम लोग आ गए हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को चुनाव है, यानी सोमवार को भी छुट्टी है। ऐसी स्थिति में पब्लिक एक तरह से पिकनिक मूड में ना आ जाए, इस बात को सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग लगा हुआ है, और चुनाव आयोग की यह कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर बूथ तक पहुंचे और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके। तो एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के समक्ष भी है और इंडिया और NDA दोनों गठबंधनों के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज गिरने का असर दोनों गठबंधनों पर पड़ता है और दोनों के समक्ष ये एक सोचने विचारने का विषय बन जाता है कि आखिर किनके वोटर बूथ तक पहुंचे और मतदान किए हैं। तो तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं दोनों महागठबंधनों के, अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं और इस काम में हाईकमान यानी BJP हाईकमान की तरफ से एक निर्देश भी जारी किया गया और BJP प्रदेश इकाई इसको एग्जीक्यूट की है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटरों को मतदान केंद्रों पर ले जाएं। जहां तक इन 5 सीटों की बात करें तो मुंगेर भी सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि मुंगेर में अनीता देवी जो कि अशोक महतो की बीबी हैं और RJD एक तरह से कहें मुकाबले के लिए उतारी है। दूसरी तरफ अगर हम दरभंगा सीट की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर वहां से सिटिंग MP हैं और उनके खिलाफ ललित यादव चुनाव मैदान में है। बेगूसराय में भी CP लेफ्ट का गढ़ माना जाता है और वहां से अवधेश राय एक तरह से कहें गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो सब के सब सीट से सेंसिटिव है और एक तरह से कहें हाई प्रोफाइल लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की का रोड शो पटना में है। इसके अलावा चिराग पासवान के लिए भी मोदी जाएंगे। तो एक तरह से NDA अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे, पटना में रोड शो करेंगे और ये रोड शो ऐतिहासिक इसलिए है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो नहीं किया है। नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए बिहार के वोटरों को 4th फेज से लेकर 7वें चरण तक का संदेश दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर बूथ तक पहुंचे और NDA के पक्ष में मतदान दे। तो कई मायने में कल का चुनाव इंपॉर्टेंट है और उस चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का बिहार में होना बिहार को खास बनाता है और यह साफ करता है कि कहीं ना कहीं बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी गंभीर हैं और यही वजह है कि आज शाम एक रोड शो के जरिए संदेश देंगे। इसके अलावा हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए और छपरा में रूड़ी के लिए भी वोट की अपील करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव है बिहार और कल का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और जय व्यास भी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के कल 4th फेज में 8 सीटों पर मतदान है, 74 उम्मीदवार इस 4th चरण में इन 8 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस तरह की तैयारी है चुनाव की अगर हम बात करें तो इन 8 सीटों को लेकर, और जो पोलिंग पार्टी है वो तो अब रवाना हो चुकी होगी जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्या इंतजाम है, किस तरह की लड़ाई देख पा रहे हैं इस 4th चरण में? जय व्यास। बिल्कुल आनंद जी, देखा जा सकता है आज सुबह 6 बजे से मतदान सामग्री सबको बांट दी गई है और मैं एक पोलिंग बूथ पर ही हूँ जहाँ पर देखा जा सकता है कि सुबह 6 बजे से मतदान करने की पूरी तैयारियाँ हो गई। ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरह से EVM में क्रम रहेगा, ये नीचे से क्रम है और ऊपर की ओर हम दिखा रहे हैं। इस बार 17वां चुनाव है, 17 चुनाव में पहला मौका है जब इंदौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं रहेगा। ये पहला मौका है, जब से चुनाव शुरू हुए तब से अन्य पार्टियां तो गैरहाजिर रहती थी लेकिन इस बार कांग्रेस गैरहाजिर है, ये एक मुद्दे की बात है इंदौर के लिए।
और मतदान केंद्र में देखा जा सकता है कि टीम पहुंच चुकी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट मुआयना कर रहे हैं सब इंतजामों का, और सारे कर्मचारी यहां पर पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसके चलते सेक्टर मजिस्ट्रेट सबको निर्देश दे रहे हैं और पूरी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है अभी शाम से, ताकि कल सुबह किसी तरह की असुविधा मतदाताओं को ना हो। और यदि मैं मालवा निमाड़ की बात करूं तो देवास संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने महेंद्र सिंह सोलंकी खड़ा किया है और कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय खड़ा किया है जी। इसी तरह उज्जैन में जो सिटिंग सांसद हैं अनिल फिरोजिया, उन्हीं को मौका भाजपा ने दिया है और कांग्रेस ने महेंद्र परमार, महेश परमार को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से मंदसौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ में भी लड़ाई अपनी सीधी है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला। अब आंचल, जिसकी बात आप कर रही थी पहले दौर में, जो हमारी बातचीत हो रही थी कि मतदान का कम होना, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं अभी तक के 3 चरणों में जिसमें से उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और महाराष्ट्र भी है, जहां पर मतदान कम हो रहा है, और ये एक चिंता का सबब न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि पार्टियों के लिए भी और उम्मीदवारों के लिए भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमने देखा कि महाराष्ट्र की बात करें तो मतदान अच्छा हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग छुट्टी मनाने लग रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको ये सबसे पहले बता देते हैं कि अभी जो वेकेशन टाइम चल रहा है, मतलब अब छुट्टियों का वक्त है, ऐसे में सभी जो परिवार वाले हैं वो गांव की तरफ जाला पलायन कर रहे हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे राज्यों में लोग यहां से जाते हैं क्योंकि छुट्टी का समय है और 10 से 15 दिन के बाद लोग यहां पर लौटते हैं। इस बार भारी संख्या में लोग यहां से गाँव की तरफ पलायन किए हैं। ये जो आंकड़ा है ये हमें मध्य रेलवे की तरफ से दी गई थी, और कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि जिस तरीके से इस बार वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आया है, ये पांचवें चरण में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई में 20 मई को वोटिंग होने वाला है और शनिवार, संडे और मंडे को ऑलरेडी इलेक्शन के लिए लोगों को छुट्टी मिलेगी, तो लोग वो 3 दिन बाकायदा छुट्टी के लिए बाहर जाएंगे, वेकेशन मनाने जाएंगे, और जो काफी लंबे समय के लिए गए हुए हैं वो लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मुंबई के लोग जो है इस बार, जो शहरी इलाकों की बात है, यहां पर इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो इसलिए कम है क्योंकि लोगों की संख्या धीरे धीरे घट रही है और जो टिकटों की संख्या है वो इस बार बढ़ी है, 90,000 से ज्यादा लोग गांव गए हुए हैं। ऐसे में अगर मैं मुंबई के बाकी राज्यों, महाराष्ट्र के बाकी जिलों की भी बात करूं तो वहां से भी लोग दूर दराज गए हुए हैं, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखा जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस बार जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से, ये पिछली बार उतना नहीं था। अभी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 20 मई को चुनाव होने वाला है, ऐसे में पीएम मोदी के हाथ में जो बागडोर है वो बीजेपी की तरफ से थमा दिया गया है। पहले से ही बीजेपी जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रही है और शिवसेना बनाम शिवसेना की जो लड़ाई है वो नजर आ रहा है, एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई नजर आ रही है, कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतदाता के घरों घर घर जाकर जो पार्टियां हैं वो जनता को या फिर मतदाता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप आकर वोट कीजिए। पर ये देखना होगा कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में इस बार गिरावट देखा जाया है उससे किस पार्टी को कितना नुकसान होता है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती है, और साथ ही कि वोट करने के लिए लोग जाएं, भारत एक्सप्रेस भी लगातार इसकी अपील करता रहा है और आज भी कर रहा है कि चौथे चरण में जहां पर वोटर हैं वहां पर कल मतदान ज़रूर करें, 5 साल में ये मौका मिलता है और इस मौका को न गंवाएं, छुट्टी न मनाएं, छुट्टी मनाने के लिए तो आगे भी समय मिलता है। आशुतोष, जो 5 सीटों के बारे में तो आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का आज रोड शो भी है और इस रोड शो के जरिए संदेश भी प्रधानमंत्री देंगे चौथे चरण के लिए भी, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए भी, क्योंकि बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 8ठे चरण में मतदान होना है। बेशक आनंद जी, प्रधानमंत्री के इस रोड शो का आशय मात्र इतना ही है, हम थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। यह पटना का हृदय स्थली डाक बंगला चौराहा है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है, थोड़ी देर में गुजरेगी, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए पटना का हृदय स्थली। हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो संदेश देने वाले हैं और कैसे 4ठे चरण से लेकर 7वें चरण को
अपने इस रोड शो के जरिए प्रभावित करने वाले हैं। देश का पहला ये प्रधानमंत्री है जो पटना में रोड शो करेंगे। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो नहीं किया है और ये पटना के हृदय स्थली का नजारा है। आनंद जी, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का काफिला इसी डाक बंगला चौराहे से गुजरेगी और पटना के जरिए पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी एक संदेश देंगे कि किस तरह से वोट के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, एनडीए के पक्ष में वोट दें। दो तीन बातें हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं। खास तौर पे फर्स्ट टाइम वोटर को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर बूथ तक पहुंचे। दूसरी एक जो बड़ी समस्या हो रही है कि सीनियर सिटीजन यानी मोस्ट सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 से अधिक है वो लोग बूथ पर नहीं पहुंच रहे हैं, यह सुनिश्चित करने का प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है और बीजेपी अपने कैडर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है कि नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड के जरिए ऐसे बुजुर्गों को निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का इलाज की व्यवस्था किया है, यदि आप वोट नहीं करेंगे तो आप ये इस इलाज से वंचित रह जाएंगे। तो कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग कैप देकर टी शर्ट देकर फर्स्ट टाइम वोटरों को प्रभावित कर रहा है और ये को सुनिश्चित कर रहा है कि कम से कम फर्स्ट टाइम वोटर बूथ तक पहुंचे, चुनाव में हिस्सा ले, चुनाव के प्रति अपना भाव दिखाए। तो तमाम कोशिशें हो रही है, तमाम पार्टियों की चिंता है, चुनाव आयोग की चिंता है और इस चिंता में चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियां इन्वॉल्व है ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ सके और इस कड़ी में प्रधानमंत्री बिहार आके एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वोटर ज्यादा से ज्यादा वोट करे और एनडीए के पक्ष में मतदान करे। तो एक खास रणनीति के तहत एनडीए भी काम कर रही है और इंडिया गठबंधन भी काम कर रही है। कल 5 सीटों पर बिहार में कल चुनाव है। जय व्यास, आप बता रहे थे कि इंदौर में यह पहला मौका है जब कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, तो कांग्रेस की उम्मीदवार की अनुपस्थिति में इस बार का चुनाव इंदौर की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि 17 चुनाव हो चुके हैं, यह 17वां चुनाव है जिसमें पहली मर्तबा कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं रहेगा। 14 उम्मीदवार यहां पर खड़े हुए हैं जिसमें भाजपा भी शामिल है और बाकी आप दृश्यों में देख सकते हैं कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं और बसपा का उम्मीदवार है, बाकी सारे उम्मीदवार। और इस बार 15वें नंबर पे जो नोटा है उसे भी हम एक उम्मीदवार की तरह इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि लोग जो कांग्रेस का स्थायी वोटर है वो नोटा को वोट करे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। तो इसके चलते कांग्रेस चूंकि अपना उम्मीदवार नोटा ही मान रही है तो नोटा में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और जैसा कि मैं एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ उसकी व्यवस्थाएं बताना चाहूँगा। पीने का पानी मतदाताओं के लिए है, क्योंकि इंदौर में 25,26,803 मतदाता हैं और ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है कि चूंकि शहरी क्षेत्र है, जागरूक मतदाता हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने आएंगे। हालांकि जो छुट्टी की समस्या है वो जो देश के अन्य हिस्सों में वो इंदौर में भी रहेगी, कई सारे लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं, लेकिन जो लोग शहर में मौजूद हैं वे ज्यादा से ज्यादा वोट करें ऐसा प्रयास जिला प्रशासन का है। कोशिश जिला प्रशासन ने भी किया, चुनाव आयोग ने भी किया, पार्टियों ने भी, कि लोग मतदान केंद्रों तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो चौथे चरण का मतदान कल है 96 सीटों पर और इन 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। पूरी तैयारी हो गई है इन 96 सीटों पर जहां पर पोलिंग पार्टी भी अब पहुंचना शुरू कर दिए हैं और पहुंचने भी लगे, उन्हें रवाना भी कर दिया गया है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया और अपील भी की जा रही है और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है कि जहां पर भी आप वोटर हैं और आपके क्षेत्र में जब चुनाव हो रहा है तो ज़रूर आप लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आंचल आपका मुंबई से, इंदौर से जय व्यास आपका और आशुतोष पटना से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।